वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे कि हम किस तरह बरकत और बहाली की शरारत को पूरा करके खुदावंद से फजल हासिल कर सकते हैं, खुदावंद के तोहफे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो आइए अपने मेहमान से मज़ीद बरकत और बहाली के मुतालिक सीखते हैं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू जी। हम यहाँ पे थे और उससे आगे वाले हम पढ़ेंगे हिस्सा जी। और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यूर्दन के पार जा रहा है, तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। वो कह रहा है कि जिधर तू जा रहा ना, जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि मैं चाहे सात समुंदर पार जाके कामयाबी हासिल कर लूँ, वो कह रहा है वहाँ पे भी तेरी उम्र दराज नहीं होगी, वहाँ पे तू कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, वहाँ पे तुझे मौत घेरे हुए है, वहाँ पे आगे मौत तेरा इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम खुदा के हुक्मों को, उसके आइन को, उसके कवानीन को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे मैं कह सकती कि मैं यूर्दन पार जाकर तो मैं मेरी उम्र दराज होगी, मैं बच जाऊंगी। जैसे वो एक गीत है, खुदाया तेरी रूह तो मैं बलानस के किधर जाऊं, मैं जितने भी जाऊँ उतने ही तू, बिल्कुल मैं तुझसे छुप सकता ही नहीं, तो फिर कैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी उम्र दराज होगी जब हमारे हर काम पे उसकी नजर है। नजर, हम कहते हैं कि हमारा बाप नहीं हमें देख रहा या माँ हमें नहीं देख रही, हम ये काम कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं देख रहे तो हमारा खुदा तो हमें देख रहा है ना, पल हर घड़ी, हर घड़ी उसको एक एक पल की खबर है हमारी, कि हमारी सोच में क्या, अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी मेरे बेटे के दिल में क्या है, इसके जहन में क्या, इसकी आंखें क्या देखना चाह रही हैं, वो हर एक बात हमारी जानता है। बिल्कुल। फिर उससे आगे आज मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ। वो कहता है आज के दिन अगर तू मेरा हुक्म नहीं मानता, आज के दिन अगर तू बुराई को छोड़ के भलाई को नहीं लेता, आज के दिन तू मौत को छोड़ के ज़िंदगी नहीं लेता, मैं दुनिया को तेरे बरखिलाफ कर देता हूँ। वो कह रहा गवाह बना रहा हूँ मैं कि दुनिया गवाह होगी कि इसने खुदा के आइन को अपनाया नहीं, इसने खुदा के कानून तोड़े हैं, इसने खुदा को अपनी ज़िंदगी में लिया नहीं। खुदाई से बार बार कह रहा था, खुदाई से बार बार बुला रहा था, खुदाई से बार बार कह रहा था तौबा कर, छोड़ सारी बुराई, छोड़ सारे गुनाह, तू जितना मर्जी गुनाहगार है मेरे पास आ, ज़िंदगी को ले ले, क्योंकि मैं ज़िंदगी देने आया हूँ, ज़िंदगी लेने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें ज़िंदगी देने के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए कुर्बान कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे खुदा के रूह में बढ़ते हुए देखेंगे कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। वो कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी भी तेरे आगे रखी है, मौत भी तेरे आगे रखी है, बरकत भी तेरे आगे रखी है, लानत भी तेरे आगे रखी है, अब तू बता इनमें से क्या लेना, क्या लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया, चुनने का इख्तियार खुदा ने हमें दे रखा है, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने जिंदगी भी तेरे आगे रखी है, मौत भी रखी है, लानत भी रखी है, बरकत भी रखी है, अब हमें डिसाइड करना है कि हमने क्या अपनी जिंदगी में लेना है। क्योंकि अगर हम जिंदगी को लेते हैं, अगर हम बरकत को लेते हैं, तो हमारा घराना बच जाएगा। बिल्कुल। हमारा घराना सरफराज होगा, हमारे बच्चे सरफराज होंगे। आज मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे खुदा में बढ़े, कैसे वो बढ़ेंगे? मैं कलाम पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, चर्च भी जा रही हूँ, खिदमत में भी हूँ, अगर मेरा मन ही उसकी तरफ नहीं है, तो फिर मैं कैसे तवक्कुल कर सकती हूँ कि खुदा की बरकतें मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हों? बिल्कुल। अगर मैं रूह सच्चाई से खुदावंत की खिदमत करूंगी, रूह सच्चाई से उसकी बातों पर अमल करूंगी, अपने दिल में कोई घमंड नहीं रखूंगी, नफरत नहीं रखूंगी, तो कल को मेरे बच्चे मसीह में बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। और वो यस्सु की कुव्वत को हासिल करेंगे, सरफराज होंगे, और देखने वाले कहेंगे कि आज आशी की मेहनत, आशी की खुदा से मोहब्बत कामयाब हुई। बिल्कुल। हालेलुया सिस्टर जी, वो आपके लिए वो कुर्बान हो गया, वो आपको बुला रहा है कि जिंदगी ले ले। बिल्कुल।
अब आपको डिसाइड करना है, लोगों को डिसाइड करना है जो सुन रहे हैं कि उन्होंने क्या लेना है। अगर वो मसीह के पास आते हैं तो उसमें हमेशा की जिंदगी है, अगर वो गुनाह को अपनाते हैं तो उसमें मौत और लानत है। बिल्कुल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बस तू जिंदगी को इख्तियार कर, करके तो भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। हालेलुया, कितना खूबसूरत कह रहा है, बस तू जिंदगी को इख्तियार कर। वो देख ले लास्ट पे भी यही कह रहा है कि बस तू जिंदगी को इख्तियार कर, मौत नु ना करी। वो खुद भी कह रहा है कि मौत को ना कर, जिंदगी पे इख्तियार, जिंदगी को ले ले। बिल्कुल, तू भी जीता रहेगा, तेरी औलाद भी जिएगी, तेरी औलाद भी बरकत पाएगी, तेरी औलाद भी सरफराज होगी। बिल्कुल, तो यही है बहाली और बरकत। हम कहते हैं कि बहन मैं दुआ करती हूँ, मैं रात को सारी सारी रात बैठ के घुटनों के बालों के दुआ करती हूँ, मेरा बच्चा, मेरा शोहर नशा करता है, मेरा बच्चा नशा करता है, वो रात को घर नहीं आता। क्यों? कहीं कमी है? बस तू जिंदगी को इख्तियार कर के तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देते हैं तो हमारी औलाद भी जिएगी और हम भी जिएंगे, और हम मसीह में जिएंगे, ना कि दुनिया में, बल्कि हम मसीह में होके जिएंगे और रूहानी तौर पर उसकी बरकतों को, उसकी फजीलतों को और उसकी रहमतों को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। तभी हमारी ज़िंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ हैं, उनसे हम बहाल हो जाएंगे। बिल्कुल, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं साहब ने बड़ी खूबसूरती से आज के उनवान को हमारे लिए बयान किया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर जी, ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने और सबने बहुत बरकत पाई होगी। बिल्कुल, आज होशाना टीवी की तवज्जो से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ऑडियंस को यही पैगाम दूंगी कि वो मसीह के नज़दीक आ जाए, क्योंकि वो ज़िंदगी है हमारी, वो हमारी कुव्वत है, वो हमें घिरने नहीं देता, वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, ना ही वो हमें झुकने देता है। क्यों? कि शरीर जब कहते हैं ना कि तेरा खुदा क्या करता है, तो वो तो बीमार है, लेकिन वो हमें उतनी आजमाइश देता है जितनी हम बर्दाश्त कर लें। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको मसीह में दावत देती हूँ कि आप मसीह में आ जाएं, मसीह को जाने कि वो कौन है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, क्योंकि मसीह में ज़िंदगी है, मसीह में ज़िंदगी है। वो हमारी खातर स्लीब पे चढ़ा, हाथों पे कील ठकवाए, पसली में नेजा लगवाया, सर पे कांटों का ताज पहना, उसने अपना कीमती लहू बहा के हमें खरीद लिया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि वो मसीह के नज़दीक आ जाए और फिर देखें कि बरकतें आपका पीछा करेंगी। बिल्कुल, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, आप भागेंगे बरकतों से, लेकिन बरकतें फिर भी आपका पीछा करेंगी कि हमें ले लो, ले लो, पर आप कहेंगे हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसकी बरकतें लेने के लिए, अपनी मुसीबतों से रिहाई पाने के लिए मसीह में अपनी ज़िंदगी को आने दें, उसे अपने दिल में ले, अपनी ज़िंदगी में उतार लें, क्योंकि हमारा दिल उसका घर है, वो खाली है, वहाँ पर यस्सू नहीं, उस घर में अपने यस्सू को बुला लें। बिल्कुल, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। God bless you. God bless you, ma'am. God bless you. Thank you. God bless you too. तो अजीजों, आज हमने बरकत और बहाली के बारे में सीखा कि किस तरह खुदावंद खुदा हमें शराइत अता करता है कि इन शराइत पर अमल करके हम अपने लिए बरकत और बहाली को चुन सकते हैं। खुदावंद खुदा ने हमारे सामने मौत और जिंदगी, बरकत और लानत, इन सब चीज़ों को हमारे सामने रखा है। ये हम पर इनसार करता है कि हम मौत और जिंदगी में से किस को चुने। क्या हम मौत को चुनेंगे या जिंदगी को? बरकत और लानत में से किसको चुने? चुनने का फैसला हमें अता किया गया है, हमें फ्री विल दी गई है कि हम अपनी मर्जी से चुनाव करें। तो आइए अजीजों, आज अपने खुदावंद खुदास के सामने हम ये अहद करते हैं कि हम मौत और जिंदगी में से जिंदगी को चुनेंगे और बरकत और लानत में से बरकत को चुनेंगे। फराइज और शराइत हमारे सामने बाइबल मुकदस में है, उन शराइत को मानिए और अपने लिए जिंदगी को चुनिए, अपने लिए खुदावन की बरकात को अपनी ज़िंदगी में कबूल करिए। अजीज़ों, इसी के साथ अभी वक्त है कि हम आपसे ले इजाज़त, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी पूरी होशाना टीम को भी
अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर हमें अपने मशवरों से आगाह करते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे होशाना टीवी के ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और अपने ख़ानदान के साथ हमारी नशरियात को देखें और खुदावन का फजल हासिल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ और एक नए बिब्लिकल किरदार के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।